जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा आदाब, आभार और अभिनंदन। आज तारीख 28 और 12 है शुक्रवार कि गुरुवार, शुक्रवार है यार सर। हाँ यस, चलिए देखो कन्फर्म करने में कोई बुराई नहीं है। चलिए आज बात करेंगे, देखिए अनछुए पहलू आज नहीं आएगा, लेकिन आज आएगा मेरी आवाज़ सुनो। और मेरी आवाज़ सुनो का मतलब है भ्रष्ट तंत्र की वो सारी पोल जो हमें नज़र आती है। 70-72 साल या 73 साल हमारी आज़ादी को हो गए, और पुराने ज़माने से हम ये सुनते आ रहे हैं जब से देश आज़ाद हुआ है कि आदमी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं रोटी, कपड़ा और मकान। इसको लेकर के फिल्म भी बनी थी, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन समय बदला, दौर बदला, युग बदला, और रोटी, कपड़ा और मकान के साथ में इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण आवश्यकताएं बनी सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी और बिजली। जितनी सरकारें आई सबसे ज़्यादा पैसा इन पर खर्च किया गया। लोगों को बिजली मिले, लोगों को पानी मिले, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लोगों को शिक्षा मिले, बच्चों को शिक्षा मिले और रोज़गार मिले, सुरक्षा मिले। पर क्या हम ऐसा कर पाए? क्या हमारी सरकारें ऐसा कर पाई? क्या प्रशासन ऐसा कर पाया? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रशासन अपना काम अच्छा कर रहा है, जितनी व्यवस्थाएं उनसे हो सकती है उतनी कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे, आप और हम। खुलकर के अपने कमेंट मुझे लिखें और मुझे बताएं कि इन सारी अव्यवस्थाओं के मूल में है क्या, इनके जड़ में है क्या। तो वो आप भेजते रहें। और एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करता हूं मैं कि सर प्लीज़ खबरों को शेयर ज़रूर करें ताकि उस भ्रष्ट तंत्र के कानों में घंटी बज सके कि हम क्या करना चाहते हैं और एक आम आदमी अपनी आवाज़ कैसे उठाना चाहता है। तो आप फटाफट शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें। आज उसी पर हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि परसों हमने मेरी आवाज़ सुनो में दो मुद्दे लिए थे। एक मुद्दा था हिंडौन का, एक सैनिक की विधवा पत्नी थी और उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जा रही थी, कुछ लोग उसकी उनकी ज़मीन पर, उनकी संपत्ति पर अधिकार कर रहे थे, मारपीट उनके साथ की गई। लेकिन वो लोग लगातार मेरे संपर्क में हैं, आज उनसे मेरी बात हुई। और वो जो महिला हैं उर्मिला शर्मा जी, वो एसपी जो करौली एसपी हैं मृदुल जी, उनसे भी मिली हैं। और जो एसपी साहब हैं उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया है कि मैम बिल्कुल आपकी पूरी सहायता की जाएगी, हेल्प की जाएगी और दोषियों को सज़ा मिलेगी। रिज़ल्ट ये निकला साहब कि जो आईओ हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, नाम में नहीं बताना चाहता साहब, बेवजह हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करने का भी नहीं होता, पर क्या करें साहब, ये दिल है कि मानता नहीं। नाम मैं बता देता हूँ, हरि सिंह जी, वो इस केस की पूरी जांच कर रहे हैं। उन्होंने इस पूरे केस को ही उलट दिया और जो पीड़ित परिवार है उसको तो कर दिया दोषी साबित, और जिन्होंने मारपीट की थी या जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको कर दिया सच्चा साबित। और उम्मीद मेरे ये खबर आई कि साहब आज उनके खिलाफ चालान भी पेश कर दिया गया है। उर्मिला मैम ने मुझे शाम को फ़ोन करा कि साहब हमारे ही खिलाफ चालान पेश हो गया। मैंने उनसे कहा कि आप बिल्कुल ना घबराएं, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम जितना हो सकेगा उतनी आपकी मदद करेंगे और न्याय आपको मिल करके रहेगा। क्योंकि वही चीज़ है सर, दोषी बचे नहीं मगर निर्दोष फंसे नहीं। 70-75 साल से यही तो होता आ रहा है हमारे देश में, सेटिंग, ठीक है ना, इससे सेटिंग कर ली, उससे सेटिंग कर ली, और चोर साहूकार हो गया और साहूकार जो है वो चोर साबित हो गया। युग परिवर्तन हुआ, समय बदला, लोगों में जागरूकता आई, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो नई आई और हम उसके रंग में ढलते चले गए। 10th क्लास के सामाजिक ज्ञान में एक पाठ है,
जर्मनी की या रूस की या फ्रांस की जो क्रांतियां हैं उनके बारे में हमने पढ़ा है, बच्चों ने बहुत कुछ पढ़ा है, मैंने काफ़ी दिन तक उसको पढ़ाया कि रेडिकल सोसाइटी, उदारवादी और रूढ़िवादी, इनके विचारों को लेकर के हमेशा लड़ाई होती रही। रूढ़िवादी ये चाहते थे कि विकास तो हो मगर विकास की रफ्तार क्या हो ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है। सर, हिंदुस्तान संस्कृतियों का देश है, परंपराओं का देश है, रीति रिवाजों का देश है। और आप जितने दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल कमेंट करिए और मुझे बताइए कि 2010 के बाद में, या मुझे जहाँ तक याद है 2000 के बाद में, अभी 2021 चल रहा है, 2000 के बाद में, यानी इन 20 सालों में दुनिया में बहुत तेज़ी से तरक्की हुई है और स्पेशली हिंदुस्तान में, मगर विकास की राह पर चलते चलते हम कहीं ना कहीं विनाश की ओर चलते चले गए। हमने होड़ की साहब, नकल की हमने, हम डिजिटल इंडिया बनाना चाहते थे मगर क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए मजबूत था, क्या हमारी तैयारियां उसके लिए मजबूत थी, क्या हम मानसिक रूप से उसके लिए तैयार थे, नहीं थे। सरकारें अपने फैसले हम पर थोपती चली गई और हम उसके मुताबिक ढलते चले गए। आज जितनी परेशानियां हम पा रहे हैं ना, बिजली को लेकर के, पानी को लेकर के या और किसी चीज़ को लेकर के, उसका सबसे बड़ा वजूहात, उसकी सबसे बड़ा कारण, उसकी सबसे मूल जड़ में अगर कोई चीज़ है तो मेरा ये मानना है और मुझे ये लगता है कि बहुत सारे दर्शक मेरे साथ इस बात को रिलेट करेंगे कि पॉपुलेशन, हमारी जनसंख्या इसके मूल कारण में है। लोग बढ़ते चले गए मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ा, सुविधाएं नहीं बढ़ी, हॉस्पिटल में बेड नहीं बढ़े, दवाइयां नहीं बढ़ी और आज एक एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए हमको मोहताज होना पड़ा। हमारी तैयारियां नहीं है साहब, हमारी कोई प्री प्लानिंग नहीं है, भर्तियां करते हैं, पोस्टिंग दे देते हैं और बस काम ख़त्म। ठेकेदार को ठेका दे दिया, सड़क कैसी बनाई हमें कोई नहीं पता, ना कोई मॉनिटरिंग करने वाला, ना कोई देखने वाला और बस आम आदमी सिर्फ चिल्लाता रहता है। और इस देश में यही हो रहा है, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो। आपको याद होगा मैंने पूर्व विधायक से भी ये सवाल किया था कि क्या मौजूदा राजनीति में राजनीति ब्यूरोक्रेट्स पर हावी है, और हो यही रहा है, राजनीति ब्यूरोक्रेट्स पर हावी है। सर, 5 साल के लिए चुने जाने वाला व्यक्ति जो है ना वो 60 साल नौकरी करने वाले पर हावी है, और एक कड़वा सच है, ये सच जब तक नहीं बदलेगा ना इस देश की सूरत नहीं बदलेगी। बहुत लोगों को परेशानी हो रही होगी, प्रशासनिक अधिकारियों को परेशानी हो रही होगी हमारी इस बात से, मगर मुद्दे बहुत हैं सर, लोगों के दर्द बहुत हैं। आपको पता है दुनिया के जितने विदेशी देश हैं ना, जितने फॉरेन कंट्रीज़ हैं, वो आने वाले 100 साल की प्लानिंग पहले ही तैयार कर लेते हैं, पहले ही 100 साल बाद में क्या होने वाला है और इसकी तैयारी हमको आज से शुरू करनी है। हम कहाँ हैं, हम फंस गए जातिवाद में, राजनीतिवाद में, क्षेत्रवाद में, भाई भतीजावाद में, तो रोलो फिर, फिर क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों लाशों के ढेर देख रहे हो? इसलिए देख रहे हो कि तुमने सवाल करना बंद कर दिया, आम आदमी अपने अधिकारों को भूल गया, उसी का नतीजा हमको भोगना पड़ रहा है। दुनिया के देश बहुत एक्टिव हैं सर, बहुत एक्टिव हैं, वो आगे की सोच करके चलते हैं और सारी प्लानिंग रखते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, जब पुलिस की ट्रेनिंग होती है या पुलिस की भर्ती होती है ना सर, फिजिकली टेस्ट लिया जाता है, टर्म एंड कंडीशन रखी जाती हैं, ये सीना होना चाहिए, ये हाइट होनी चाहिए, इतनी दौड़ होनी चाहिए, और जब बंदा पुलिस में भर्ती हो जाता है, कितने पुलिस वाले ऐसे हैं जिनका मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या ईयरली फिजिकल टेस्ट होता है? नहीं होता, ये मैं कह रहा हूँ आपसे, नहीं होता। पुलिस में भर्ती होने के बाद पुलिस वालों की तौंद बढ़ जाती है, पेट निकल आता है, ना वो दौड़ सकते, ना भक्कर के चोर का या अपराधी का पीछा कर सकते, फिर काय की फिटनेस है आपकी? सिर्फ भर्ती के लिए बनाए जाते हैं रूल्स। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना सर,
ये देश के विकास में बहुत मायने रखती हैं। कानून व्यवस्था को, सुरक्षा को, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, इनको बनाए रखने में बड़ा मायने रखती हैं। डिग्रियों पर चल रहा है हमारा तो देश ही। बीएड कर ली, रीट की एग्जाम दे ली, पास हो गया, भर्ती कर दिया। माइनस में जाने वाला व्यक्ति जो है ना, वो टीचर बन जाता है, क्योंकि रिजर्वेशन है। योग्यता इंपॉर्टेंट नहीं है, टैलेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो कानून बना दिया, हमने जो नियम बना दिया, उसी के द्वारा भर्ती की जाएगी। योग्यता को महत्व देना पड़ेगा। अमेरिका इस बात को मानता है, यूएसए इस बात को मानता है कि अमेरिका की तरक्की में हर तीसरा हाथ अगर किसी का है तो भारतीयों का है। दुनिया का हर देश इस बात को मानता है कि दुनिया का सबसे टैलेंटेड देश अगर कोई है तो वो भारत है। पर क्या हम उसका यूज कर पा रहे हैं? क्या हम उसका उपयोग कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। हमारे यहाँ आम आदमी की जिंदगी छोटे बाबूजी और बड़े बाबूजी के बीच में फाइलों में अटक करके रह गई। उम्मीद कर रहा हूँ आप शेयर कर रहे होंगे। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे सर? कम कर रहे हैं। क्या चाहते हो? सिर्फ रोज खबरें बताएं, आम आदमी के मुद्दे ना उठाएं, आम आदमी की समस्याएं ना उठाएं? आम आदमी गुस्से में है सर, और ये सच बता रहा हूँ मैं आपको। कोई अपनी बीवी से झगड़ करके आया है, किसी अपने, कोई ऐसा है जिसे अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करनी है, कोई ऐसा है जो बेरोजगार है, कोई ऐसा है जो बिजली के बिलों से परेशान है, कोई ऐसा है जो महंगाई से परेशान है। आम आदमी गुस्से में है साहब, और इस देश को अगर संभालना है ना तो आम आदमी को संभालना पड़ेगा। पहले रोजाना रोते थे कच्चे तेल की कीमतें अगर ज़्यादा बढ़ गई तो हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा। अब तो कच्चे तेल की कीमतें बहुत कम है, तो क्या चाहती है केंद्र सरकार? अपने हिसाब से नियम बना लेते हो आप, आम आदमी की नहीं सुनते आप। आपको पता है ये आम आदमी कौन है? ये वो आम आदमी है जिसने अपने पड़ोसी को खाना खिलाया है। ये वो आम आदमी है जो आधी रात पे भी हेल्प करने को तैयार है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बातें बहुत हैं, और आज मैं बात आपसे करूँगा एक ऐसे डिपार्टमेंट की जिसका नाम है बिजली विभाग। शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। देखिए कि बिजली और पानी दो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं आम आदमी की। पानी के बारे में अगर मैं बात करूं तो गंगापुर सिटी में हालात बड़े बुरे हैं। 4 लाख लीटर पानी की आवश्यकता है पूरे गंगापुर को। बता रहे हैं कि 1.5 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है। चंबल परियोजना में जो एक्सियन है, उनसे भी मैंने आपकी बात करवाई थी, उनकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई थी। वो कह रहे हैं कि साहब हम तो गंगापुर को पूरा पानी दे रहे हैं, अब वो उसके कल्टीवेशन में क्या प्रॉब्लम है वो जाने। सही बात है, और मेरे पास एविडेंस है इसके, कोई नकार नहीं सकता इस बात को। यहाँ के एक्सियन महोदय से अगर पूछा जाए कि साहब 4 वहाँ जो मोटर लगी हुई हैं उनमें से 2 खराब हैं और गुजरात सुधरने गई हैं। ये है आपके 70 साल बाद का हिंदुस्तान। अच्छा, चंबल नहीं होती तो क्या करते आप? क्या करते आप? कोरोना गया भाड़ में, लोग तो पानी से तरस जाते, पानी से मर जाते, प्यास से मर जाते। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास में नहीं है, कोई सुविधा आपके पास में नहीं है, कोई प्री प्लान आपके पास में नहीं है। मोटी मोटी तनख्वाह पाने वाले ये जो अधिकारी है ना, ये एसी रूम में बैठ करके प्लानिंग बनाते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट कोई नहीं बनाता सर कि क्या हालात है। पानी नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? हजारों लीटर पानी तो गंगापुर सिटी में लीकेज के कारण बह रहा है। बिल्कुल ऐसी कोई कॉलोनी, ऐसा कोई बाढ़, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं है जिसमें हजारों लीटर पानी व्यर्थ ना बह रहा हो। अमृत योजना ले आए, बहुत अच्छा किया साहब आपने, विकास होना जरूरी है। सीवरेज ले आए, जल भराव की क्षमता से और जल भराव की जो समस्या है उससे गंगापुर को मुक्ति मिल जाएगी, बहुत अच्छा किया साहब आपने। करोड़ों रुपये आपको केंद्र ने भी दे दिए। आपको पता है सीवरेज चालू नहीं हुई ना, उससे पहले तो बहुत सारे बाढ़ ऐसे हैं जिसमें सीवरेज के जो चैम्बर है ना वो ओवरफ्लो हो गए और पानी बाहर निकल रहा है और पूरी कॉलोनी में बदबू हो रही है। शर्म नहीं आती आपको?
कहां से पकड़ कर आए थे साहब ये इंजीनियर? L&T इंटरनेशनल कंपनी है, काई की इंटरनेशनल कंपनी है साहब, जो अपने काम की मॉनिटरिंग नहीं कर सकती, जिसको प्लानिंग का पता नहीं है, जिसको ये नहीं पता कि हमको ये अटैच कैसे करने हैं। फिर आपके तो इंटरनेशनल कंपनी है, आम आदमी क्या करेगा बताओ मुझे? आपने कह दिया, मैंने सुन लिया, काम हो रहा है, होने तो साहब, क्या करें हम? ये कंडीशन है आज की तारीख में गंगापुर सिटी की। मई का महीना खत्म होने को है, गर्मी माशाल्लाह गजब गजब 45-46 डिग्री सेल्सियस तापमान चल रहा है सब। आज जब मैं आपसे लाइव हूं तो बिल्कुल मेरे शरीर में पसीने, लेकिन उसके बावजूद भी हम अपने घरों में शांत बैठे हैं, चुप बैठे हैं। भाई साहब पानी तो दे दो यार, प्लीज मुझे पानी दे दो, मुझे बिजली दे दो, नहीं मिल पा रही। एक्सक्यूज बहुत हैं, बहुत सारे बहाने हैं, और मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं, यहां जो बोलता है ना साहब, वो आम आदमी बोलता है, अजय भारद्वाज नहीं बोलता। ये सही बात बता रहा हूं मैं आपको। आज हम बात करेंगे बिजली के मुद्दे पर, आज हम बात करेंगे उस विभाग की कि अगर एक दिन भी डिले हो गया ना आपका बिल, तो प्लास लेकर के और आपका कनेक्शन काटने पहुंच जाते हैं ये लोग। जहां के अधिकारी हमसे ये कहते हैं, एक पत्रकार से ये कहते हैं कि जिस तरह का आप बिल देते हो ना, उसी तरह हम लाइट देते हैं, मेरा अधिकार है और आप एहसान नहीं कर रहे मेरे ऊपर। 60,000-70,000 तो तनख्वाह आपको मिल रही है ना साहब, वो इसलिए मिल रही है कि आप आम आदमी की समस्याएं सुने। रटा रटाया डायलॉग होता है, जब भी गर्मियां आती हैं साहब लोड बढ़ गया, लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं। होश नहीं था आपको कि गर्मियों में ही सबसे ज़्यादा लाइट चाहिए लोगों को? पता नहीं था आप लोगों को? इतनी सारी पोस्टें आपने बना रखी हैं, तो क्या पोस्ट पर बैठे बड़े अधिकारियों को ये पता नहीं है कि हमको कितनी लाइट चाहिए? तो फिर आपने तैयारी क्यों नहीं की? क्यों नहीं तैयारी की? और बस वही है, आज मैंने वहाँ का लाइव दिखाया ना, बहुत सारे लोगों ने सर कमेंट करे और मैं बता नहीं सकता आपको। हालांकि मेरे पास वहाँ से एक अधिकारी का फ़ोन भी आया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उनकी, अजय जी क्या दिखा रहे हो आप सुप्रीम कोर्ट हो क्या? मैंने उनको एक ही बात कही कि नहीं साहब, दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। आप दुनिया से कहते हो कि बिजली बचाओ, तुम्हारे पूरे ऑफिस में बिजली की बचत नहीं थी। अय्यन साहब नदारद थे लेकिन पंखे चल रहे थे, तुम्हारे कर्मचारी नदारद थे लेकिन पंखे चार चार चल रहे थे, तुम्हारे एक्सियन साहब नदारद थे लेकिन उनके चैम्बर में भी पंखा चल रहा था। सिर्फ आम आदमी के लिए रूल है? सिर्फ आम आदमी के लिए नियम है? हम बिजली बचाएं, हम बिल भी दें, आप क्या कर रहे हो? वसूली, झूठे BCR भरते हो? आज तक किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई कि ये BCR क्यों भरा गया? ये गलती किसकी थी? आपकी है, आपको अर्जाना देना पड़ेगा। मैं चक्कर लगाता रहूं, मैं दर दर की ठोकरें खाता रहूं, यही तो हो रहा है आम आदमी के साथ में, क्या हो रहा है? नहीं साहब, लाइट बिल्कुल आ रही है और सुविधाओं का विस्तार कर रहे हैं, पेड़ काटने का काम कर रहे हैं, प्री मानसून की हमारी तैयारियां हैं। होश नहीं है आपको? प्री मानसून से पहले गर्मियां आती हैं, गर्मियों में सबसे ज़्यादा लाइट चाहिए। पेड़ अभी काटने थे आपको? पेड़ अभी काटने थे क्या आपको? सर्दी कहाँ चली गई? तब क्यों नहीं काटते आप लोग? तब वसूली का टाइम रहता है ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, खींच लो जितना खींच सकते हो उनसे। मैं घर में बैठा हूँ, मेरे पास रोज़गार नहीं है, मेरे पास व्यवसाय नहीं है, बाहर निकलता हूँ तो पुलिस चालान काटती है। कोरोना की पेंडेमिक सिचुएशन का मैं भी सामना कर रहा हूँ, और जो सिचुएशन है उसका आप भी सामना कर रहे हैं, मगर आपने अपनी वसूली बंद नहीं की, नहीं की। और मैंने बिल दिया है, चाहे दुख पाया सुख पाया कर्जा लिया, मगर मैंने बिल दिया है। और जिन अधिकारी महोदय ने मुझसे ये कहा था ना कि साहब जैसे आप बिल देते हो वैसे लाइट देता हूं, हिंदुस्तान का जो व्यक्ति है और जिसके आपने मीटर ठोक दिया, भाई साहब बिल वो पूरा देता है। पार्ट पेमेंट मेरा अधिकार है, मैं टुकड़ों में दे रहा हूं फिर भी दे रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं? आप फोन नहीं उठाते, जो सरकारी सिम है उसको भी आपने बंद कर रखा है। मैं जितना प्रशासन है, जितने जनप्रतिनिधि हैं,
खुल करके उनसे ये बात को कह रहा हूँ साहब कि आपके दावे चाहे कितने ही बड़े बड़े हों, लेकिन आम आदमी के धरातल पर आप जा करके देखोगे ना, कोई नहीं सुनता सर आम आदमी की, कोई नहीं सुनता, कहीं सुनवाई नहीं होती, FIR बदल जाती है, बिलों में गड़बड़ी हो जाती है, BCR झूठे बन जाते हैं, मगर जितने अधिकारी हैं वो सेफ बच जाते हैं, और झेलना पड़ता है तो आम आदमी को झेलना पड़ता है। ये दर्द है। कमेंट आया मेरे पास में अभी कि भारत मील में लाइट गई, अब पेट गांठ रहे हो क्या? ना, लोड ज्यादा है, पहले होश नहीं था, कनेक्शन तो आप ही करते हो, फाइल तो आपने ही लगाई है, डिमांड नोटिस तो आपने ही भेजा, बिल भी तो आप भेज रहे हो, जब आपको पता है कि मेरे पास में इतने कनेक्शन हैं, तो आपने ट्रांसफार्मर कितने बढ़ाए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़ाया आपने, नहीं बढ़ा पाए, है ना? यही दर्द है। चलिए आज इस मुद्दे को लेकर के बहुत बातें करेंगे, इस मुद्दे को लेकर के चर्चा छिड़ेंगे। सर किसी का फोन है? भानु भाई साहब आ जाइए, कॉल पे या लाइव? कॉल पे। चलिए, तो मुद्दा बड़ा है साहब, और बिजली विभाग की लाइव आपको दिखाऊंगा। अच्छा, जो मैं आपको बता रहा था कि एक अधिकारी, सर शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लोग कर रहे ना, करो अभी थोड़ा रुक के, ठीक है, पहले हम बात करेंगे किसी और से। आज जो लाइव मैंने आपको दिखाया, आप जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपको क्लियर बता दूं सर, आज शाम को, शाम तक मेरे पास 5 से 7 फोन आए, और उन्होंने ये कहा कि अजय जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि जो आपने लाइव दिखाया ना वो बहुत शानदार दिखाया, और हम दुखी हैं इस विभाग से। अच्छा करते हो, तारीफ करते हैं आपकी। बड़ी उदयी की एक खबर हमने चलाई, खम्भा टूटा हुआ था, एक्शन मोदी ने तुरंत अपने कर्मचारी भेजे और उस खम्भे को बदल दिया। मैं आपको सबूत दिखा सकता हूं, मैंने पर्सनली मैसेज किया एक्शन मोदी को कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस खबर पर ध्यान दिया और उन लोगों को राहत मिली। चाहे पुलिस विभाग हो, बिजली विभाग हो, जलदाय विभाग हो, जी न्यूज़ पोर्टल अपनी सामाजिक सरोकार को निभाता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है, हम बिल्कुल सलाम करते हैं, लेकिन कब तक साहब, कब तक सहन करें बताओ। तो आज जब मैंने लाइव दिखाया, अधिकारियों का मेरे पास फोन आया, अजय जी आपको पता नहीं है हम फील्ड में थे, हम पेड़ कटवा रहे थे। बहुत बढ़िया साहब, आपके तो कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं है, कैमरे के सामने ऐसा लगता है जैसे सांप सूंघ गया उनको। जो साहूकार होता है ना साहब, ईमानदार होता है, वो सीना ठोक करके कहता है कि बिल्कुल मैं अपना ये काम ईमानदारी से कर रहा हूं, लेकिन जो चोर होता है ना सर, वो नजरें चुराता है। ये सही बता रहा हूं मैं आपको, और ये आप भी जानते हैं। पूरे पूरे कैंपस का मैंने आपको लाइव दिखाया, एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था, सभी पेड़ के पीछे पड़ रहे थे। कमाल हो गया सर, है ना? अच्छा, लाइट बिल्कुल हम दे रहे हैं, फीडर मेंटेनेंस करते हैं, फीडर मेंटेनेंस के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट उठता है, और फीडर मेंटेनेंस कब कर रहे हैं? गर्मियों में, है ना, जब सबसे ज्यादा लाइट की जरूरत है उसी समय हमको लाइट बंद करनी है। कितने बेशर्म हो आप, आपको समझ नहीं आता, आपको इतनी प्री प्लानिंग नहीं है आपकी कि मुझे ये फीडर मेंटेनेंस कब करना है, कब इसकी तैयारी करनी है। बोले साहब प्री मानसून के लिए ऑर्डर आते हैं हमारे पास में, सर्दियां क्या है उस समय कर लो ना, उस समय तो लाइट की सबसे कम जरूरत पड़ती है, उस समय 2 घंटे 4 घंटे अगर आप कटौती भी कर लोगे तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, पेड़ काट दो, जो काटना है वो काट दो, ना गर्मियों में काटना है, क्योंकि हमारे पास ना तो इतना प्रबंध है, ना हमारे पास इतनी लाइट है, अभी तो हम इतने ही आत्मनिर्भर नहीं हुए। केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि साहब हमने 18,000 ऐसे गांव थे जो 70 साल से लाइट से वंचित थे, उन गांवों में हमने लाइट पहुंचा दी। धन्यवाद करते हैं साहब आपका, और मोदी जी का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने 18,000 गांवों में लाइट पहुंचा दी। कैला देवी और उसके ऊपर के जो गांव हैं वो कौन है? वो कौन है? वो इस हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? वो इन 18,000 गांवों में नहीं है? आपके विधायक और सांसद वहां वोट लेने नहीं जाते? नहीं जाते क्या? और वहां के लोगों से भी मैं आज कहना चाहता हूं, बहिष्कार कर दो बिल्कुल वोट का। जब हमारे लिए लाइट ही नहीं है, हमारे लिए पानी की सुविधा नहीं है, हमारे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, तो फिर वोट लेने किस मुंह से जाते हो आप, किस अधिकार से जाते हो, बताइए आप। आपको याद होगा अच्छी तरीके से,
कर्नल बैंसला से मैंने ये सवाल पूछा था, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से मैंने ये सवाल पूछा था, और ये पेच फंसा हुआ है कि साहब वो जो एरिया है वो डांग में आता है और ये जंगली क्षेत्र है, तो क्या वहाँ के रहने वाले लोग भी जंगली हैं? वो जानवर हैं? वो मानव नहीं है? उनको लाइट नहीं चाहिए? उनको पानी नहीं चाहिए? उनको शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं चाहिए? और जब जंगली हैं तो आप वोट मांगने क्यों जाते हैं उनसे? उनसे ज़्यादा बेशरम तो आप हैं जो वहाँ वोट मांगने जा रहे हैं। हिंदुस्तान में सिर्फ आश्वासन मिलता है सर लोगों को। बहुत सारे गांव हैं, मासलपुर, करणपुर, रोधई, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनमें आज भी सिर्फ बिजली के खम्भे नज़र आते हैं मगर बल्ब कहीं नज़र नहीं आता और रोशनी कहीं नज़र नहीं आती। डिजिटल इंडिया बना रहे हैं आप। आपको मैं बता दूंगा, एक दिन यही डिजिटल इंडिया है ना, ये आपको रोने पर मजबूर कर देगा। 4G की स्पीड में 2G की भी स्पीड नहीं दे पा रहे आप। आज सर्वर डाउन हो गया, आज साइड नहीं चल रही, तो मर जाओ फिर। क्यों लोगों से वसूल कर रहे हो पैसा? सुविधाएं दे नहीं रहे, पैसा पूरा ले रहे हो। रोड टूटे हुए हैं, रोड टैक्स दे दो। बिजली का बल्ब पूरा चाहिए मगर बिजली नहीं है। अगर मुद्दे सही लगते हैं तो प्लीज शेयर करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये आम आदमी का दर्द है सर। मेरा अकेला नहीं है और ना मैं पर्सनल कह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ भ्रष्ट तंत्र के कानों में घंटी बजनी चाहिए। वो भी तो कम से कम अपने आप को रिव्यू करें कि यार वाकई में हम क्या कर रहे हैं, हमको तनख्वाह किस बात की मिल रही है। तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। बिजली की बात करते हैं, आप ऑफिस खाली नज़र आया, ऑफिस में कोई नहीं था, पंखे चल रहे थे, कुर्सियां हवा खा रही थी, ये सच है और लाइव था, डॉक्टरेट नहीं था, रिकॉर्डेड नहीं था। मेंटेनेंस मैंने आपको बताया, ये गर्मियों में ही क्यों किया जाता है, और टाइम क्यों नहीं मिलता आपको। वोल्टेज की कमी, यस, गंगापुर के 50% बार्ड ऐसे हैं जिनमें पंखा ऐसे चलता है भाई साहब कि जब आप 5 पे रेगुलेटर करोगे ना तो वो 1 की स्पीड दिखाएगा आपको, है ना। पंखे को भी शर्म आती है कि मैं पंखा हूँ, मुझे चलना है। और लाइव में बहुत सारे कर्मचारियों ने कहा नहीं बिल्कुल, अधिकारी फ़ोन उठाते हैं, लाइट भी हम दे रहे हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। मैं कहता हूँ और मेरे पास सबूत है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सैनिक नगर में पिछले 2 साल से 3 साल से जनता चिल्ला रही है कि साहब वोल्टेज नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। हमारे एक अधिकारी महोदय जो सालोदा पावर हाउस है ना, वहाँ जैन है, वो गए, मेरे साथ गए, मैंने फील्ड का इन्वेस्टिगेशन करवाया और वहाँ से प्रपोजल बना करके लाए कि साहब एक ट्रांसफार्मर यहाँ लगाना पड़ेगा। 1.5 साल हो गए साहब, ना तो वो प्रपोजल स्वीकृत हुआ, और जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल अजय जी, हमने कैपेसिटी बढ़ा दी। काई की कैपेसिटी बढ़ा दी साहब, 125 से ज़्यादा वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं सैनिक नगर में। बहुत सारा एरिया गंगापुर का ऐसा जिसमें 125 और 150 वोल्टेज मिल रहे हैं लोगों को, काय का दावा कर रहे हो आप? 70 साल बाद लाइट नहीं दे पाए आप लोगों को, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे करोड़ों रुपए का बजट देते हो आप, लोगों को लाइट नहीं मिल रही, और वो भी तब जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। घरों में स्टेबलाइजर लगे हुए हैं, वो बिल अलग बढ़ाते हैं, लोगों ने इन्वर्टर लगा रखा है, वो बिल अलग बढ़ाते हैं। आपकी तो बल्ले बल्ले है साहब, हर तरीके से बल्ले बल्ले हैं। जो सूबे के मुखिया हैं उन्होंने पिछले ही कोरोना काल में राहत नहीं दी, तो अब तो क्या उम्मीद करें उनसे। जनता घरों में रहो, बाहर मत निकलना, काम धंधे सब बंद हैं, दुकानों पर शटर लगी हुई है, मगर खर्चे यथावत हैं, बिल आपको पूरा देना है। लाइट पूरी नहीं देंगे क्यों? कि उस अधिकारी ने, मैंने बताया ना आपको, मैंने पहले भी ऑडियो वायरल किया है उनका, जैसे आप बिल दे रहे हो वैसे हम लाइट दे रहे हैं, बिल पूरा दे रहे हैं साहब। हम इतने साहूकार आप भी नहीं हो कि छोड़ दोगे हमारे पास। तुमसे ज़्यादा तो जो उसका 2 रुपये सैकड़े का ब्याज चल रहा ना, वो भी तगादा नहीं करता जितना तुम लोग करते हो। और अब कोई रीडिंग लेने नहीं आता क्योंकि कोरोना इनके ही होता है, बिजली विभाग के कर्मचारियों के, आपके हमारे कोरोना नहीं होता, इनके होता है। और वो भी सिर्फ रीडिंग लेने, सिर्फ रीडिंग लेने में, है ना, क्योंकि मीटर में कोरोना के सिम्टम्स हैं।
संक्रमण है वहाँ पे मीटर में, क्या पता मोबाइल में आ जाए, शर्म करो। तो वो लाइव मैंने आपको दिखाया। वोल्टेज की कमी शहर में सबसे ज़्यादा है, कई एरियों में है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लाइन शिफ्ट कर दी जाती है पेड़ों को काटने के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर 2 से 3 घंटे 4 घंटे लाइट बंद कर दी जाती है। आप कह रहे हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, चलिए मैं सबसे पहले तो आपकी बात करवाता हूँ अलीगंज के जो सरपंच हैं शरीफ चौधरी जी, हालांकि उनकी मिसेज जो है, उनकी मोहतरमा जो है वो सरपंच हैं। भाई साहब मैं आपको बताऊँ, हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि लोग छोटी छोटी बातों पर हमें फ़ोन करते हैं। 12:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया है। हाँ उनके उनका फ़ोन मेरे पास 12:30 बजे आया रात को कल, कि अजय जी 2.5 घंटे हो गए लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं, कोई अधिकारी मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा और मैं लगातार फ़ोन कर रहा हूँ, किसी अधिकारी ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, लोगों को मच्छर खा रहे हैं और गर्मी में लोग परेशान हैं। हालांकि मैं आपको बड़ा क्लियर कहता हूँ, मैंने मैसेज भी डाला है, मैं जो कर सकता था मैंने अपनी तरफ से प्रयास करा, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं था सब, इसका करूँ तो क्या करूँ। ठीक है, रिजल्ट मुझे नहीं पता कि वो लाइट कब सप्लाई शुरू हुई, मगर किसी अधिकारी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया। एक चीज़ और, परसों मेरे सैनिक नगर वाले एरिए में 10:30 बजे लाइट चली गई, मुझे नहीं पता था क्योंकि मेरे घर में इन्वर्टर था। मैं घर पहुंचा लाइव के बाद में और कॉलोनी वाले एक दो लोग आए कि यार पत्रकार जी लाइट नहीं आ रही। मैंने क्योंकि जिस अधिकारी जो जाइए ना हमारा, मैं आजकल उनको फ़ोन नहीं करता हूँ साहब, क्योंकि वो बिल मांग लेंगे भाई साहब। देखो उनने तो पहले ही कह दी जितना बिल दोगे उतना ही हम लाइट देंगे, तो मैं उनको फ़ोन नहीं करता। मैंने दूसरे कर्मचारी को फ़ोन किया, लगातार घंटी गई है सर, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। लेकिन जय्यन महोदय के फ़ोन नंबर मैंने दे दिए पड़ोसियों को और उनसे कहा कि आप बात करिए। 2 बार 4 बार घंटी गई और उसके बाद में जय्यन साहब ने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। फिर मैंने FRT टीम को फ़ोन करा, FRT टीम ने मुझसे कहा कि भाई साहब आप पहले कंप्लेंट दर्ज करवाओ, उसके बाद ही हम आपकी लाइट सुधारने आएंगे। जब मैंने उनको अपना परिचय दिया तो तुरंत उन्होंने कहा ठीक है भाई साहब हम आ जाएंगे अपने स्तर पर आपकी लाइट सुधारने। मैं रात को 1:30 बजे तक अपने घर पे छत पर घूमता रहा, क्योंकि मुझे मालूम था वो आएंगे, मुझे बताना पड़ेगा उनको कि लाइट कहाँ से फॉल्ट है और फिर वो सुधार करके जाएंगे, और हुआ भी वैसा ही। रात को 1:30 बजे FRT की टीम पहुँची, उन्होंने लाइट को सुधारी। ट्रेक यूनियन से मेरे पास कल ही फ़ोन आया, ठीक है लाइट गई है भाई साहब 1.5 घंटे हो गई रात में, अब तो पेड़ नहीं काट रहे ना, अब तो पेड़ नहीं काट रहे आप रात को, तो 1.5 घंटे से लाइट बंद थी। हर अधिकारी को हर कर्मचारी को उन्होंने फ़ोन कर लिया, लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, कोई फ़ोन नहीं उठाया गया। और ये झूठ नहीं है, क्या करें बताओ, शहरी क्षेत्र की समस्या नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र में भी ये समस्या आ रही है। शहरी क्षेत्र में जब आप नहीं सुन रहे तो गांव में तो बहुत सीधा साधा आदमी रहे भाई साहब, कौन सुनेगा उनकी बेचारान की, बिल दे दो। आज मेरे पास में सुकार से फ़ोन आया, 52 वास में जो ग्राम पंचायत है सुकार, वहाँ से फ़ोन आया, अजय जी 2 दिन हो गए सर, 2 दिन हो गए लाइट बंद पड़ी है, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा, कैसे करें इस गर्मी में हम। अच्छा एक बात मुझे बताओ, क्या बिजली विभाग जितनी कटौती करता है उस हिसाब से बिलों में माइनस करता है, करता है क्या? नहीं करता भाई साहब, है ना, बिल पूरा देना पड़ेगा यूनिट के हिसाब से, खर्चे कैसे बढ़ाने वो जाने। शरीफ से बात हो गई? हाँ शरीफ सर नमस्कार। सर नमस्कार, नमस्कार। अजय भारद्वाज निवेदन कर रहा हूँ सर जी न्यूज पोर्टल से, और आप लाइव हैं इस वक्त। जी सर। शरीफ भाई मुझे आपने फोन किया था देर रात को 12:30 बजे। जी सर। वो घटनाक्रम क्या था और मुझे उसकी पूरी डिटेल बताइए बिजली विभाग के बारे में। घटनाक्रम ये था 11 बजे लाइट गई। जी। फिर मैंने फोन किया अपने दौलतपुर फीडर पे। फिर फोन रिसीव नहीं किया। किसने फोन रिसीव नहीं किया, किसको मिलाया था आपने? एक जितेंद्र और एक रघुवीर मिला है, दोनों है। ठीक है, तो मैंने दोनों फोन किया, फोन उठाया नहीं, और फिर उसके बाद उनका फोन बिजी आ रहा था, मेरा फोन घंटी जाती और बिजी कर देते फोन को। वेरी गुड। उसके बाद फिर मैंने कदमी जी को फोन लगाया,
कदमी जी ने कॉल रिसीव नहीं किया। कदमी जी कौन है? जयन। जयन ठीक है, उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया। कॉल रिसीव नहीं किया, फिर मैंने अय्यन साहब को लगाया, कुंजीलाल जी को। कुंजीलाल जी को ठीक है, वो ठीक आदमी है, वो रात को कभी फोन उठा लेते हैं, तो कारणवश उन्होंने फोन नहीं उठाया रात को। बिल्कुल अच्छा रेस्पॉन्स है उनका। अच्छा, तो अब फिर निस्तारण हुआ क्या? निस्तारण रात को 1 बजे लाइट आई है। 1 बजे लाइट आई? हाँ, कुंजीलाल जी बता रहे थे, हमने FR पार्टी भेजी रात को, फिर उसके बाद में वो फीडर पे जाके वो लाइट सही करके आई थी। ठीक है शरीफ भाई, मैं इतना पूछना चाह रहा हूँ आपसे, क्या वाकई में बिजली विभाग अपने कामों को लेकर के गंभीर है या नहीं है? नहीं, कुछ अधिकारी उच्च अधिकारी तो बिल्कुल गंभीर है, लेकिन ये जो छोटे लोग है ना, ये लगे हुए हैं यहाँ फीडर पे, ये लोग पता नहीं कैसे मतलब मिसगाइड कर देते हैं, मतलब लोगों फोनों को तो उठा के बोल सकते हैं भाई कोई लोड सेटिंग में है या कोई आग लगी हुई है कहीं, तो उससे फिर लोग क्या है कि वो थोड़ा ठीक रहता है उससे। नहीं पर शरीफ भाई, बिजली के बड़े बड़े बिल आम उपभोक्ता दे रहा है, कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, लोग घरों में कैद है, फिर भी आम आदमी को तो बेचारे को बिल देना ही देना है। पता नहीं उस दिन इन्होंने मिस किया रात को, बहुत ज्यादा लोगों को मेरे पास में फोन आया पूरा गांव के, सरपंच साहब क्या हो रहा है लाइट के बारे में, कैसे करे। मैंने तो फोन कर दिया, आप फोन लगा लो, तो क्या आप तो सो रहे हो, मन के भैया मैं सो नहीं रहा हूँ, आ जाओ आप मुझे देख लो। अच्छा शरीफ भाई, आपने मुझे भी फोन किया था। बिल्कुल 12:30 बजे फोन किया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे एक फोन पे 1 घंटे में फोन उठाया। अब इनका क्या करें शरीफ भाई, अगर बिजली विभाग बड़े बड़े बिल तो लेता है, बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर इनको ये गर्मी का दिन ही क्यों मिलता है? आज हम पेड़ काट रहे हैं, आज ये कर रहे हैं। अब बड़े जो उच्च अधिकारी है वो तो अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं बिल्कुल, आपको बताऊं बाद में। जैसे कुंजीलाल जी अय्यन साहब को मैंने जब भी फोन किया तो मेरा एक फोन पर निस्तारण किया इनने। अब पता नहीं, और ये जो छोटे लोग लग रहे हैं फिर, और जो इनका ठेकेदार है आज मुकेश जी, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया, सरपंच साहब ऐसी दोबारा कंप्लेंट नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए, आप चाहो तो मैं इनको दोनों को चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से। चलिए उनके ऐसा मत करो, हम किसी की नौकरी नहीं खाएंगे, आप थोड़ा सा पाबंद कर दीजिएगा उनको। पर जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है और जिस हिसाब से लोगों को जरूरत है, मेरे ख्याल से इस समय लाइट की सबसे ज्यादा जरूरत है लोगों को। शरीफ भाई, जरूरत तो है, लेकिन अब करे क्या, अब रात में फोनों को एक साइड में उठा के रख देते हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। चलिए अच्छा, एक चीज़ के लिए और धन्यवाद दूंगा, हमने जो मुद्दा उठाया था आपका कि गांव में एंट्रेंस होते ही जो गंदगी और कचरा है उसका निस्तारण आपने कर दिया, बड़े नाले का निर्माण करके। जी बिल्कुल कर दिया सर, कुछ गंदगी रह रही है, मैंने बिल्कुल उनकी सेंक्शन निकाल ली नाले बनाने की, बहुत ही जल्दी, ज्यादा टाइम भाई देखो पूरी गंदगी तो एक साथ आप जानते हो, बिल्कुल टाइम भी लगता है, लेकिन मेरे गांव के अब मेरे को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, मैं पूरे सहयोग से मैं पूरा काम भी कर रहा हूँ। चलिए शरीफ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी जी, ये शरीफ चौधरी जी हैं, अलीगंज के सरपंच हैं, और ग्राम पंचायत सुकार से मेरे पास फोन आया, अजय जी 2 दिन हो गए, क्या करें हम बताओ। चलिए उनके जो सरपंच महोदय उनसे भी मैं बात करूंगा। दरअसल शहरी क्षेत्र में नहीं सर, ग्रामीण क्षेत्र में भी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और किसी प्रशासन की या किसी डिपार्टमेंट की बुराई करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जब आपको इतनी सारे कॉम्पिटिशन फाइट करके आप इसमें नौकरी करते हो ना, इसमें आते हो और आपकी भर्ती होती है और आपको मोटी मोटी तनख्वाहें मिलती हैं, तो आपका ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हम कुछ प्री प्लानिंग करें, हम सिस्टम के साथ चलें, लोगों को राहत कैसे दे सकते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि अधिकारियों पर और कर्मचारियों पर जो है वो राजनीति हावी है। हर गांव की समस्या है, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों से हमारे पास में कॉल आते हैं, अजय जी 4 घंटे 5 घंटे लाइट दे रहे हैं, इसके अलावा कोई लाइट हमको नहीं मिल रही, ये कंडीशन है सुकार में। अच्छा गंगापुर में बड़े आश्चर्यजनक बात है कि मुझे आज पता चला कि साहब अय्यन की पोस्ट खाली है और जो जयन है उसी को अय्यन का प्रभार दे रखा है ना, जोरदार बात। अब देखो कंडीशन कि संभालने वाला ही मुस्तकबिल ही नहीं है तो डिपार्टमेंट को संभालेगा कौन? 50% कर्मचारियों के साथ हम काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर लोगों की समस्याओं का समाधान तो करो, लोगों की सुन तो लो प्रभु। पंखे चल रहे हैं, सीटें खाली हैं, और आम आदमी से कह रहे हो बिजली बचाओ, पहले तुम तो बचा लो, तुम क्यों नहीं बचा रहे? ये नियम तुम पे लागू नहीं होता, क्यों नहीं होता?
हर चैम्बर में जहां मैं गया हूं बड़े अधिकारियों के, वहां पंखे चालू मिले मुझे। और अधिकारी मुझसे कह रहे हैं, अजय जी आप मजिस्ट्रेट हो? नहीं साहब, मैं तो आम आदमी हूं, मैं मजिस्ट्रेट कैसे हो सकता हूं साहब? 60,000-70,000 तनख्वाह तो आपको मिल रही है, फटकार करके भगा देते हो आप आम आदमी को। कल आना, परसों आना, एप्लीकेशन लिख करके दे जा, देखेंगे क्या होता है। यही तो चल रहा है सिस्टम। ये जो प्रवृत्ति है ना, इसको बदलनी है। मुझे याद आता है वो शब्द जब अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था 2005 में, और उन्होंने कहा था कि हम आज तक इनको कहते आए हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, ये जनता के नौकर हैं, और जनता का काम करने के लिए इनको पैसा मिलता है, जनता का काम करने के लिए इनको तनख्वाह मिलती है। अगर जनता के साथ ही इनका संबंध अच्छा नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा? अगर नहीं है ऐसी क्षमता, नहीं कर सकते ये काम, तो भाई साहब बेरोजगारी तो बहुत है हिंदुस्तान में, दूसरे को आने दो ना यार, क्यों जगह रोक करके बैठे हो आप? तो ये नहीं चलेगा। तो ये बिजली का मुद्दा था। और अब इसके अलावा मैं आपको बताऊं, शहर का बहुत सारा, गंगापुर सिटी शहर के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं भाई साहब जिनमें ढीले तारों की समस्या है। पोल झुके हुए हैं, तार अदर में झूल रहे हैं, उनका कोई मेंटेनेंस नहीं होता। ट्रांसफार्मर ऐसी ऐसी जगह रखे हुए हैं भाई साहब जो कल्पना नहीं कर सकते आप। सुरक्षा के लिए क्या कर रखा है? जाल लगा दिए साहब, बहुत अच्छी बात है। जालों का पैसा आ गया ना, बिल बना करके भेज दिया। इतने ट्रांसफार्मर है साहब, उनका चैम्बर बना दिया, उनके जाल लगा दिए। आपको हो से वो ट्रांसफार्मर कहाँ रख रखा है आपने, पता है क्या आपको? गुलकंदी स्कूल के सामने एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, कोई उसका सरफेस नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, टूटा फूटा नाले के वहां रखा हुआ है और बाहर जाल लगा हुआ है। दशहरा मैदान पर जाकर के आप देख लो, नाले में बिल्कुल वो ट्रांसफार्मर इन्वॉल्व है, जाल बाहर से लगा दिया गया है। दिखता नहीं आपको ये? काय का मेंटेनेंस कर रहे हो? ये चीजें दिखती नहीं आपको? मेंटेनेंस कर रहे हैं, फॉल्ट हो जाएगा, जानवर चिपक कर मर जाएगा, आदमी चिपक करके मर जाएगा, हम जैसे पत्रकार पहुंचेंगे, फोटो खींचेंगे, मुंह आप जी के नाम पर फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। सिस्टम बना लो साहब, यातायात हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, सिस्टम ही नहीं है। ट्रिप यूनियन का एरिया जाकर के देख लो, एलएनटी वालों ने 2 महीने हो गए गड्ढा खोद करके पटक रखा है। कौन है? हेलो, हेलो, शिव कुमार जी बोल रहे हैं? हाँ शिव कुमार जी, अजय भारद्वाज बोल रहा हूँ जी न्यूज पोर्टल से, और आप लाइव हैं इस वक्त सर हमारे साथ में। अच्छा शिव कुमार जी, जो सुकार ग्राम पंचायत है उसमें इन दिनों लाइट को लेकर के बहुत मारामारी चल रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब लाइट की साफ स्थिति यहाँ वैसे तो सिटी लाइट सही है गांव में 24 घंटे की, पर लाइट 24 घंटे आ नहीं रही है। नहीं, मेरे पास में किसी दर्शक का फोन आया था कि साहब 2 दिन हो गए और 2 दिन से हालत इतनी खराब हो रही है सुकार ग्राम पंचायत में कि ना तो कोई अधिकारी सुनता है ना कोई फोन उठाता है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अब देखो यहाँ अलग अलग फीडर, कौन सी फीडर नहीं आ रही है, अब जैसे टोपर गांव में तो जैसे लाइट आ रही है वो दिन में कट जाती है 2-3 घंटे, रात को कट जाती है 2-3 घंटे, वैसे बिल्कुल तो ऐसे नहीं है, आई नहीं रही, ऐसा नहीं है। नहीं पर लाइन कट रही है? हाँ वैसे लाइन कट रही है, बात हुई थी कि पेड़ों की कोई रास्ते में जो पेड़ आ रहे हैं उनकी कटाई हो रही है, इसलिए काटी जा रही है लाइन। अच्छा शिव कुमार सर, आपको नहीं लगता कि ये सही समय है पेड़ों को काटने का, जबकि इस समय तो सबसे ज्यादा लाइट की जरूरत है? पर ये तो इनका साहब गलत है तरीका, तो खैर इस टाइम नहीं है, जैसे फसल तो इसी टाइम कट जाती है, अपने होली के आसपास उस टाइम भी कट सकती थी लाइन भाई, ये काम सर्दियों में भी तो किया जा सकता है। सही है, ये तो आप कर रहे हो सही है। चलिए शिव कुमार जी, आप जी न्यूज पोर्टल आपके यहाँ लोग देखते हैं या नहीं देखते? देखते हैं ना। हाँ, और आपसे हम लगातार और भी आगे बात करते रहेंगे, और वहाँ की जो समस्याएं हैं वो भी आप लगातार हमको भेजते रहें सर। समस्या तो साहब यहाँ एक बार बताऊँ आपको, आप जैसे आप बात ही हो रही तो जी बताइए। मतलब यहाँ क्या है कि जैसे हमारे आत्र क्षेत्र पड़ता है जो सुकार दिवानी भावरा मावरा ग्राम पंचायत है, आत्र क्षेत्र के नाम से है ये जी। इसमें क्या है, पूर्व विधायक के टाइम पे रोड का काम जैसे वो टेंडर हुआ था, और अभी जो एमएलए साहब हमारे इंदिरा जी,
उन्होंने मतलब चुनाव के बाद में उसका वो भी शिलान्यास भी किया था, तो उसको अस्पताल चल रही है अभी तक। मतलब ये अपने 23 किलोमीटर का टुकड़ा, उसमें से आधा रोड नहीं बना हुआ, ये पड़ा हुआ है। मतलब बार बार मांग करते 3-4 किलोमीटर काम चलता है, फिर बंद हो जाता है, फिर चलता है। कहाँ से कहाँ तक का मामला है ये? अभी यहाँ से जो है गढ़मोरा बांध से सुखार तक हो गया, और सुखार से अपने जैसे लाल सोडेरियम पड़ता है, सिंटोली बांध वहां तक अभी बाकी पड़ा है। मतलब लोगों को सड़क भी नहीं मिल पा रही? नहीं मिल पा रही, कम से कम 5 दफे तो मैं खुद मिल गया, 2-4 दफे पब्लिक मिल गया, खुद विधायक साहब से तुम्हें मिल गया है। अच्छा, बजट की क्या पोजीशन है ग्राम पंचायतों में? बजट की भी पोजीशन ग्राम पंचायतों में ऐसी चल रही है, अब राशि डाली है अभी, पर अब जो कितने डाली है अभी मालूम करेंगे, अभी कोरोना की वजह से मालूम नहीं। पैसा सिर्फ केंद्र भेज रहा है, राज्य सरकारों ने कोई पैसा भेजा या नहीं भेजा? नहीं भेजा, अभी तो डाली है राशि, पर वो जो मिलनी चाहिए ना वो राशि नहीं मिल रही है ग्राम पंचायतों। तो ग्राम पंचायतों में विकास के काम सारे ठप पड़े हुए हैं इस वक्त? वैसे भी ठप है, जैसे पंचायत समिति से कोई बजट मिलता है तो वो भी शहीदों को मिलता है। मतलब यहाँ हमारे आते क्षेत्र में भी कोई पंचायत समिति से बजट नहीं मिला, मेरे से मिल रहा है कोई, हमको नुकसान से मिल रहा है, मतलब स्थिति नाजुक है हमारे यहाँ। अच्छा, पेयजल की क्या व्यवस्था है वहाँ पर, पीने के पानी की? पेयजल की भी जैसे ग्राम पंचायत प्रॉपर में तो जैसे नल व्यवस्था है, बाकी ढाणियों में जैसे नल व्यवस्था नहीं है, वहाँ हेडपम्प की मांग, पर हेडपम्प जैसे लगाते हैं तो 300-400 फुट तक सूखे निकल जाते हैं, हेडपम्प पास नहीं हो रहे, वो सकेज नहीं हो रहे हैं वहाँ। उसका क्या सर्वे करवाया था तो 1.25 करोड़ के आसपास का उसका वो बजट भी बनाया था गवर्नमेंट ने, पर उसका कोई ठेका वेगा नहीं हो रहा, कोई टेंडर नहीं हो रहा, क्या मालूम क्या प्रक्रिया चल रही है, वो भी बंद पड़ी। चलिए, आपके एरिया में हम अपना रिपोर्टर भेजेंगे शिव कुमार जी, और वहाँ की समस्याओं का जो है वो निराकरण जरूर करने का हम प्रयास करेंगे, और प्रशासनिक अधिकारियों तक आपकी बात जरूर पहुँचाएंगे सर हम। ठीक सर, ठीक। अब आप देख लीजिए, समस्याएं हैं और सरपंच भी परेशान है, क्या करें। बाकी कुल मिलाकर के ये है कि बिजली विभाग से हमारा निवेदन ये है कि साहब, जितना फोकस आप बिजली के बिलों को वसूल करने में लगाते हैं ना, उतना ही फोकस आप अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने में लगाएं, लोगों को संतुष्ट करने में लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। गंगापुर, हाँ, जो हमारे भविष्य जी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। नीचे रखे ट्रांसफार्मरों का मुद्दा मैंने आपको बता दिया, ढीले तार हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, झुके हुए पोल हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और अब मैं बताता हूँ कर्मचारियों का व्यवहार, बिजली विभाग में लगे हुए कर्मचारियों का व्यवहार कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। हेलो, हाँ भानु सर, नमस्कार। नमस्कार अजय जी, क्या हाल है? बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया, मैं आपका प्रोग्राम देख रहा था। जी सर, चलो एक तो खुशी हुई कि कम से कम कुछ जो भ्रष्ट लोग हैं बिजली विभाग के उनके खिलाफ कोई आवाज तो उठाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, क्योंकि अभी तक क्या हाल है कि इन लोगों को सिर्फ अपनी जेब भरने, रिश्वत लेने और भ्रष्टाचार से इनको बिजली विभाग को बिल्कुल फुर्सत नहीं है। जी अच्छा, इन लोगों के तरीका क्या है? इन लोगों के कर्मचारियों ने गंगापुर में आज की तारीख में 50% से ऊपर जो बिजली के मीटर लगे हुए घरों में या फैक्ट्रियों में या दुकानों पर, उनमें चिपे लगवा रखी है करीबन 10 साल से। अच्छा, किस तरह की चिप? रिमोट वाली चिप चलती है, जिससे 1 घंटे मीटर चलाइए, 22 घंटे मीटर बंद कर दीजिए। अच्छा, इसमें इन लोगों के कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारी आपके पास आता है, बोले भाई साहब आपके बिजली का मीटर ज्यादा तेज चलता है, आपने कहा भाई साहब क्या करें? अरे बोले कुछ मत करो, 5-6 हजार रुपए खर्च करो, मुझे दे दो और मैं आपको दूसरा नया मीटर लगवा देता हूँ, उसमें मैं चिप लगा के दे दूंगा। ये तो इनके कर्मचारियों का काम है। अच्छा, इनके अधिकारियों का काम क्या है? अच्छा, एक बार भानु सर बीच में टोकना चाहूंगा, हम तो पत्रकार हैं, ये सुविधा हमको मिल सकती है क्या? मेरा बिल ज्यादा आता है सर। भाई साहब ऐसा है, पत्रकारों को जो नहीं देंगे कि पत्रकारों को ये लगता है कि ये गांड फाड़ देंगे। सर थोड़ी सी लाइव है आप, सॉरी, मेरा मतलब इन लोगों को ये लगता है कि पत्रकार को देंगे तो ऐसा नहीं, हमको उछाल दे आगे। हाँ बिल्कुल, लेकिन आप पत्रकार बनकर नहीं, एक आम इंसान बनकर अगर मांगेंगे तो डेफिनेटली आपको सुविधा मिलेगी। अच्छा, इन दिनों बिजली विभाग, आज मैंने लाइव दिखाया था सर जी, है ना, और आम आदमी से अपेक्षा रखते हैं कि बिजली बचाओ, जबकि मैंने जितने भी ऑफिस देखे ना सर, उनमें माशाल्लाह बड़े खूबसूरत तरीके से पंखे चल रहे थे और सिर्फ कुर्सियों को वो हवा लग रही थी, और आम आदमी से चाहते हैं कि आप बिजली बचाओ। नहीं तो वो तो भाई साहब उनका अधिकार है अजय जी। अच्छा, आम आदमी तो क्या है कि कहते ना, आम आदमी है वो, उसको चूसो,
उसको चूसो, उसको पिलपिला करे तो चूसते चल जाओ। अच्छा ये क्या है, अपने आप को एक यहाँ का राजा समझते हैं। आज गंगापुर क्षेत्र में ही कई कॉलोनियां ऐसी है जो डायरेक्ट बिजली चल रही है। बिल्कुल, आज के जमाने में अंधेरे में तो कौन रहेगा सर, बिना बिजली के तो कोई रह नहीं सकता। इनके कर्मचारी जाते हैं हर घर से 2,000-3,000 रुपए महीना या 1,000 रुपए महीना लिए आते हैं। फिर साल में एक बार इनके अधिकारी जाएंगे, आपने लंगर डाला हुआ, अवैध बिजली ले रखी है, आपके ऊपर 3 लाख की VCR बनी है, 5 लाख की VCR बनी है, रिकॉर्डिंग करेंगे, VCR बनाएंगे, फिर चुपचाप कमरे में बैठकर और आपसे पैसा तय कर लेंगे, 1 लाख दे दीजिए, 50,000 दे दीजिए, वो जेब में रखा और आपकी VCR क्लियर करिए आगे। अच्छा भानु सर एक बात है, यदि कोई कर्मचारी या कोई अधिकारी इन्वॉल्व है और वो गलत करता है तो उस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती कि भाई गलती आपकी है तो उसकी सजा उपभोक्ता क्यों भोगे? तो ऐसा है, सबसे बड़ी बात ये है कि नीचे से लेकर ऊपर तक जब पूरा समुद्र ही गंदा पड़ा हो तो उसका तो क्या करें। नीचे आप किसी कर्मचारी से लेकर ऊपर बड़े अधिकारी तक देख लीजिए, आपको सीधा एक जवाब देगा, ठीक है हम देखेंगे। एक जवाब है, आप बिजली विभाग ऑफिस जाइए, आपको कंप्लेंट फोन पे करेंगे तो पहली बात तो आप 15 दिन का महीने भर तक कॉल करते रहिए, फोन अटेंड करने वाला नहीं। लेकिन ये लोग तो दावे ये करते हैं बड़े बड़े कि आप बिल्कुल जब चाहे जब 24 आवर्स किसी भी अधिकारी को फोन करते हैं, सरकारी सिम पर कर सकते हैं, लेकिन फोन उठाते नहीं है। आपका यही तो दावा है ना इन लोगों का कि आप कर सकते हैं, इनका ये दावा थोड़ी हम अटेंड करके आपकी सेवा करें सहायता करेंगे, इन लोगों ने ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। हाँ आप फोन कर सकते हैं, आप फोन कर सकते हैं, आपको छूट है। आप ऑफिस में जाएंगे तो आप देखेंगे कर्मचारी कुर्सी पे टांग रख के आराम से नींद में सो रहा है, फोन का जो चोगा है लैंडलाइन का उसका इंस्ट्रूमेंट उठाकर बगल में धर रखा है ताकि डिस्टर्बेंस नहीं हो। गंगापुर में 50 साल पहले जो बिजली की लाइनें डली हुई थी तार, वो तार आज तक सब जगह डली हुई है, इसके नाम पे बीच में कई बार पैसा आया, पैसे को खा गए, एक एक तार बदली फ्री हो गई। खंबे हैं पुराने, कहीं टूट रहे कहीं झुके हुए, कोई मतलब नहीं। ठीक है भी, आपने अगर देखा हो अजय जी, आज से 2-3 साल पहले पूरे गंगापुर में ट्रांसफार्मर MCB बॉक्स लगाए थे अंडरग्राउंड लाइट करने के लिए, करोड़ों अरबों रुपए का ठेका था। उसके बाद आज कई जगह हालात ये है कि ट्रांसफार्मर MCB बॉक्स ही गायब हो चुके हैं वहां से, आज तक अंडरग्राउंड कोई लाइन डली नहीं है। अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूंगा मानू सर, बार बार ये लोग बहाने बनाते हैं कि साहब फीडर मेंटेनेंस कर रहे हैं हम, पेड़ों की कटिंग कर रहे हैं, तारों को टाइट कर रहे हैं, तो ये इसके लिए कोई प्री प्लानिंग या सिस्टम नहीं है इन लोगों के पास में, सिर्फ ये गर्मी में ही क्यों करते हैं ये काम? नहीं, आप गलत कह रहे हो, आप इस जगह गलत हो। ये गर्मी में ही नहीं करते हैं। आप देखिए जब गर्मी आएगी तब करेंगे, जब दिवाली का त्योहार आएगा, जब सीजन का टाइम होगा तब करेंगे। आप केवल एक चीज पटके हो कि गर्मी में करते, नहीं ये भेदभाव नहीं करते। आपका जब भी सीजन का टाइम है या आपके जब लाइट की सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब मेंटेनेंस करेंगे। दूसरा मेंटेनेंस कब करेंगे, जैसे सीजन का टाइम है तो दिन भर लाइट बंद कर दी, शाम को 8 बजे 7 बजे लाइट चालू करेंगे, तब तक मार्केट बंद हो जाता है। जी शादी फंक्शनों में आप देखिए शाम को 7 बजे बाद लाइट ज्यादा शुरू हो जाता है। अच्छा यहाँ पे खासियत और है, अगर आपने गौर करी हो जी, तो अगर कूलर की हवा भी सड़क की तरफ करके चला दोगे ना तो लाइट बंद हो जाएगी। अच्छा यहाँ आंधी तूफान की बात तो दूर, अगर कूलर को भी सड़क करके चला दोगे तो लाइट बंद हो जाएगी। क्यों, इनको ये है अरे साहब आंधी तूफान चल रहे, तो भाई आंधी तूफान के पूरे इंडिया में केवल गंगापुर में ही चलते हैं क्या? और फिर आप क्या कर रहे थे इतने दिनों से? वो तो आराम कर रहे हैं, उनको पैसा खाने से फुर्सत का है, रोजाना सुबह फिक्स हो जाता है कि आज इस टीम को कितने रुपए कमाना है, कहाँ कहाँ हमको चलना है। तो दोनों तीनों फीडर के जो अधिकारी है वो उठ के चल देते हैं गाड़ी लेकर। माधोपुर से टीम आती है विजिलेंस की, उसके साथ जाते हैं तो विजिलेंस वाले पकड़ते भी है तो दूसरा आदमी जाके बात करता है, आधा पैसा विजिलेंस को चल जाता है, आधा इनको चल जाता है। अच्छा भानु सर आपको लगता है कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में बिजली के बिलों की वसूली तो देखो बिजली विभाग ने ना पिछले साल रोकी ना अब रोकी और कंटिन्यू चल रही है, अब कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर आती है आपको? सवाल ही पैदा नहीं। कारण ये तो उम्मीद ही मत करिए बिजली विभाग से आपको राहत देंगे। आप एक चीज बताइए, चलो घरों के बिल तो इन्होंने घरों में भेज दिए, जो दुकानों पे मीटर लगे हुए हैं 2 महीने से उनके बिल उन दुकानों में डाले जा रहे हैं। हाँ, सटर के नीचे हो गए।
इनको ये मालूम है कि पूरे राजस्थान में लॉकडाउन लगा हुआ, दुकान का ताला नहीं खोल सकते। जब राज्य सरकार इस बिलों को माफ नहीं कर रही है, ना कोई किसी तरह का अग्रिम आदेश निकाल रही है, जब ये बिल कभी नहीं लिए जाए, आज अभी इन्होंने पिछले महीने जो बिल दिए हैं वो एक एवरेज के आधार पर दे दिए। अब अगले बिल जब आएंगे तो आप उन बिलों में देखिए कितनी खामियां मिलेंगी। जो एवरेज का पैसा लिया है वो पैसा एडजस्ट करने में कितनी परेशानी करेगा। भानु सर, इस सिस्टम को सुधारा कैसे जाए? बरसों हो गए यही रोजना हम रोते आ रहे हैं, यही रोजना ये रोते आ रहे हैं, अब इस सिस्टम को सुधारा कैसे जाए? लेकिन समस्याएं बहुत है, मगर समाधान क्या है? अजय जी, मैं कुछ अगर मैं बोलूंगा तो अभी हो सकता है कि कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम आएगी इस मामले में, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को सुधारा तब जा सकता है जब ऊपर से कंट्रोल कायम हो, मॉनिटरिंग हो और प्रॉपर सिस्टम बने। ये लोग क्या कहते हैं, अरे साहब हम क्या करें, हमारे पास ऊपर से आदेश है। मैं अभी दिवाली के टाइम की बात है, मैंने फोन किया, मैं साहब पहली बात तो करीबन 2 घंटे में जाकर तो फोन लगा अधिकारी का, फोन ही नहीं उठा रहा वो। फिर फोन लगा भी तो मैंने उनको कहा, मैं यार बहुत ऐसी सी बात है, बोले भाई साहब हम क्या करें, ऊपर से ऐसी साहब से बात करिए। मैं कहा ठीक है, मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने कहा भाई साहब हम क्या करें, हमारे पास तो ऊपर से आदेश है। तो मैं कहा भाई ऊपर तक कहाँ तक जाऊं मुझे ये तो बता दो, लास्ट अल्टरनेट यही है कि फिर तो भगवान के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ, लास्ट ऊपर वही है सर। हाँ, क्योंकि एक न एक व्यक्ति ऊपर तक सरकाता जाता है अपन लोगों को। बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ज्यादा ऊपर तक इन्होंने सरकाया तो ऐसा नहीं हो कि जनता फिर सड़कों पर उतर के इनको पहले की तरह सरका दे। यदि आपको आज से 10 साल पहले की घटनाक्रम में बताता हूँ, शायद आपको ध्यान हो तो, कि इन्होंने 22-22 घंटे गंगापुर सिटी की लाइटें बंद रखी है। जी, याद है आपको किस्सा? नहीं, मुझे उतना याद नहीं है सर। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ कि 22-22 घंटे लाइट बंद रखी है। सुबह 4 बजे लाइट आती थी, फिर 6 बजे बंद हो जाती थी। जी, क्योंकि उस समय इन्वर्टर वालों से इन्होंने कॉन्टेक्ट किया था, प्रति इन्वर्टर इनको पैसा मिल रहा था डिपार्टमेंट को। ओके, और अब भी वही हाल है, इन्वर्टर बिकवाने के लिए, अपने फायदे के लिए ये लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, वोल्टेज की कमियों से भी जूझ रहा है पूरा शहर, कई वार्ड ऐसे हैं जिनमें साहब 125-150 से ज्यादा वोल्टेज ही नहीं आ रहे। भाई साहब कुछ वार्डो में 125 आ रहे हैं तो कुछ वार्डो में 300 से भी ऊपर आ रहे हैं, या उक्कड़ फुक रहे। हाँ बिल्कुल, उस पे ये कहते हैं, बोले साहब आपके घर की लाइट में फॉल्ट है, हमारे तो कोई फॉल्ट नहीं है। बिल्कुल, अगर आपके वोल्टेज कम आ रहे हैं, बोले भाई साहब आपके घर में प्रॉब्लम हो सकती है, आप स्टेबलाइजर लगवाइए 5 किलोवाट का। हाँ, ताकि बिल और अच्छा आए। यस, क्योंकि 5 किलोवाट का स्टेबलाइजर लगवाएगा कम से कम 5 या 6 हजार रुपए उस बंदे का खर्च होगा। 7,500 का आ रहा है सर, अब नया बन रहा है जो। भाई साहब यो आ रहा है ना कि कुछ कमीशन उनको भी तो चाहिए ना। क्योंकि वो एक ब्रांड देके जाते हैं, इस जगह लगवाइए भाई साहब, ये सबसे बढ़िया रहेगा। तो ये कैपेसिटी भी बढ़िया है इसकी, कि वो वहां से इंटीग्रेट करके जाते हैं। आप जब एक कस्टमर को इंटीग्रेट करके जाएंगे पब्लिक को, तो उसके दिमाग में रहते, अरे यार डिपार्टमेंट वाले ने कही है तो अपन उसी से ले, ताकि चीज अच्छी मिलेगी। क्यों, इन लोगों को मालूम है इन चीज का कहां से अच्छी होती है। अच्छा भानु सर, लीक से हट करके एक सवाल और पूछना चाहूंगा, और मेरे ख्याल से है ना आप उन चीजों को बड़ी बारीकी से देख रहे होंगे। गंगापुर के मीडिया में क्या कुछ चल रहा है सर आजकल? बड़ी उठापटक चल रही है, बड़े आक्षेप और विपक्ष चल रहे हैं सर, क्या करें भाई साहब। अजय जी, एक कहावत है कि जब बारिश आती है ना तो चारों तरफ से मेंढक निकल के आ जाते हैं। जी, अगर आपने देखा हो तो पिछले गत एक साल पहले आप अच्छा मैं ना एक बार दर्शकों को बता दूं कि भानु सर जो हैं वो जार के जिला अध्यक्ष भी हैं, यानी पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी हैं, तो इसलिए मैंने उनसे सवाल पूछा। अभी पिछले साल जब लॉकडाउन लगा, जी लॉकडाउन लगने के बाद स्थिति ये होगी कि हर व्यक्ति हाथ में मोबाइल लेकर पत्रकार बन गया, 700 रुपए का माइक खरीद लाया, हाथ में मोबाइल लिया और जगह जगह जाके बोले आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कैसे चाहते हैं, आप क्या विचार है, लॉकडाउन का क्या, मतलब हर व्यक्ति पत्रकार बन गया। जी, अभी इस संदर्भ में अभी कुछ दिन पहले ही जी प्रसार मंत्रालय ने, सूचना प्रसार मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति निकाली है, और इस पर 3 महीने का टाइम दिया है कि जितने भी OTT प्लेटफॉर्म पे, YouTube, Facebook पे जितने भी ये पत्रकारों के चैनल चल रहे हैं, जी इन सबको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। अभी जब तक इनके ऊपर RNI नंबर नहीं होगा, है ना, CNI नंबर नहीं होगा,
चैनल पर, तब तक वो अधिकृत नहीं माने जाएंगे और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी हो रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय से। ठीक है, मगर जो कुछ जो जो कुछ इन दिनों चल रहा है सर, जो कुछ आप देखिए जी न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ भी साजिश की जा रही है, लोग खड़े हो रहे हैं, आक्षेप लगा रहे हैं, तो ये जो है आपको नहीं लगता कि ये बहुत ही ओछी और छिछली मानसिकता है? अजय जी, ये तो आप भी जानते हो, जब कोई आगे बढ़ता है या किसी का नाम होता है तो बदनाम करने वाले बहुत होते हैं। तो ये तो आपको भी समझना चाहिए कि बदनाम कौन होगा जिसका नाम होगा, जिसके खिलाफ हमारी ताकत नहीं कम उसके कुछ बिगाड़ सके। इसलिए हम ये कहते हैं बिंदास होकर चलाइए, अपनी पत्रकारिता में दम है और हम कहीं गलत नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को नहीं रोक सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगापुर के इन पत्रकारों की बात है, पूरे यहाँ के भी पत्रकार है, आने वाले टाइम में सभी को अच्छा वो मिल जाएगा। सभी लोग, हम तो सबसे ये कहते हैं भैया अच्छी तरह काम करिए, सारे पत्रकार बंधुओं से जी। आप आरएनआई नंबर लीजिए, तरीके से काम कीजिए, और नहीं करेंगे तो वो खुद भुगतेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए भानु सर आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बड़ा मुद्दा था सर, और इस मुद्दे पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, और लोगों के फीडबैक हमारे पास में बहुत अच्छे आ रहे थे आज दिन भर से, क्योंकि सुबह मुझे लगा कि मुझे ये लाइव दिखाना चाहिए कि पानी और बिजली दो अहम मुद्दे हैं इस समय शहर के, बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके अलावा एक मुद्दा और है जो एलएनटी डिपार्टमेंट ने जगह जगह सड़कों को खोद के, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल सर, तो उसको भी हम जल्दी उठाएंगे और आपका मार्गदर्शन हमको टाइम टाइम पर मिलता रहेगा, ये हम उम्मीद करते हैं सर आपसे। बिल्कुल, जब भी आप कहेंगे आपके पास आने को तैयार है, जब भी आप बुलाएंगे हम आएंगे। चलिए धन्यवाद सर। ओके भानु जी, जिला अध्यक्ष हैं जार के पत्रकार संघ के, और बहुत सारी बातें इन्होंने कही है। देखिए जब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपको उम्मीद ना हो, या आपको ये लगे कि इनको इग्नोर करना अच्छा है, तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि अगर कीचड़ में आप पत्थर मारोगे ना तो कुछ छींटे आपके पास भी आएंगे, तो उम्मीद ये करो कि पत्थर मारना ही छोड़ दो ना, छोड़ दो उस कीचड़ को, तू सड़ता रहे, तू बदबू मारता रहे, मैनू की फ़र्क पैंदा है, पंजाबी में कहते ना मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। तो वही चीज़ है, ऐसी चीज़ों को अब इग्नोर करना बहुत ज़रूरी हो गया दोस्तों, क्योंकि हमारे पास मुद्दे बहुत हैं, लोगों की समस्याएं बहुत हैं, हमको इन्हीं चीज़ों से फुर्सत नहीं मिलती। और बस इतना ज़रूर कहूँगा कि वो जो राज रानी जी है ना, उनका फ़ोन नहीं आया मेरे पास, अगर आपके पास किसी के पास आया हो ना तो ज़रूर मुझे बताना, है ना। लेकिन उनको जहाँ पहुँचना था वो वहाँ पहुँच गई, वहाँ कमेंट भी कर रही हैं और वहाँ अपनी राय भी व्यक्त कर रही हैं। मैम प्लीज़, इनवाइट हमने किया था आपको, मैंने तो आपको माताजी कहा, मैंने आपको दीदी कहा, और मैंने कहा अगर आप विदेश में रहती हैं तो आप कॉल कर सकती हैं मुझे। मैम प्लीज़, आप हमारी शुभचिंतक हैं तो आप आइए और हमारे साथ जुड़िए। अभी तक तो नहीं आया, देखते हैं आगे क्या होता है, और अगर नहीं आएगा ना तो भी हमें फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्यों कि जहाँ जिसको फिट होना था ना वो वहाँ फिट हो गया। और वही बात है कि मैनू फ़र्क नहीं पैंदा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे लोग मेरे साथ हैं और सच्चाई और ईमानदारी मेरे साथ है, और जी न्यूज़ पोर्टल आज की तारीख में विश्वास का दूसरा नाम है सर, भरोसे का दूसरा नाम है, और आम आदमी की आवाज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। और कहते हैं ना हुनर जो है ना वो खुदा देता है, वो ईश्वर देता है, और इसे कोई नहीं चुरा सकता। चलिए, तो ये आज का मुद्दा था साहब, और उम्मीद ये करते हैं कि बिजली विभाग के कानों में भनक पड़ेगी, आप भी घंटी बजाते रहें। आज की लाइव में मैंने एक नंबर और आपको दिखाया था दोस्तों, उस नंबर को नोट करना और बिल्कुल बजाते रहो घंटी, जहाँ से आपको गड़बड़ लगती है बेझिझक हमको बताओ, मगर इतनी हाथ जोड़ करके निवेदन है कि हमारी भी पर्सनल लाइफ है सर, रात को 12:30 बजे और 1 बजे मुझे फ़ोन ना करें, क्योंकि हालांकि गुस्सा ज़रूर आता है पर कंट्रोल रख करके मैं लोगों से बात ज़रूर करता हूँ, हमारी भी अपनी लाइफ है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें फ़ोन ना करें, अधिकारियों के नंबर रखें, और आपका अधिकार है बिजली पानी सुरक्षा स्वास्थ्य, ये आपका अधिकार है, खड़े हो जाएं, अपने आप के अधिकारों को लिए लड़ें, बात करें, और फिर अगर आपको लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही तो मैं आपको बता रहा हूँ लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है वो आपके साथ खड़ा हुआ है हर पल, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई हमारे बारे में क्या कहता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम आम आदमी की आवाज़ हैं और वो बने रहेंगे। और आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, मैं जाते जाते कि मुद्दे बहुत हैं, सीवरेज का काम है उसके लेकर के मैं जिक्र कर रहा था, भैया 1.5-2 महीने हो गए
और वो खड्डा खुदा पड़ा है। इतना बेशरम डिपार्टमेंट मैंने नहीं देखा और इतनी घटिया कंपनी मैंने नहीं देखी जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब वो इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है। तुम छोटे छोटे काम नहीं करवा पा रहे, सीवरेज ओवरफ्लो होने लग गई, एक डेढ़ महीने बाद में ये गंगापुर जो है ना वो हादसों का शहर बनेगा। ये मैं कह रहा हूँ आपसे, अगर अधिकारियों ने मॉनिटरिंग नहीं की, प्रशासनिक अधिकारियों ने मॉनिटरिंग नहीं की, विधायक महोदय फील्ड में नहीं उतरे तो काम नहीं होने वाला। मैं आपको बता रहा हूँ, जनता से मेरा निवेदन है जागरूक रहें, गड़बड़ है, प्रशासन को सूचित ज़रूर करें कि साहब सीवरेज ओवरफ्लो हो गई, ये इनकी कनेक्टिविटी थी। अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है साहब इन लोगों को, काय की इंटरनेशनल कंपनी है जब आप ढंग के चैम्बर नहीं बना पाए। वार्ड नंबर एक में लाइट नहीं आ रही आधे घंटे, वार्ड नंबर एक में भी लाइट नहीं आ रही आधा घंटे हो गए, पेड़ कट रहे हैं, पेड़ कट रहे होंगे, कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, लाइट कट रही है, पेड़ नहीं कट रहे। लो एक मिनट, हाँ कौन है, दर्शक हैं हमारे। हेलो, हाँ जी अजय जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपना नाम बताएं मुझे। सर फिरोज खान बोल रहा हूँ। फिरोज जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? यहीं से बोल रहा सर, गंगापुर से। नहीं जगह बताइए। जगह वार्ड नंबर एक से सर। कौन सा एरिया है ये? ये अपना सेठ रोड का है सर। भवानी पार्षद है? जी जी जी। ओके, अच्छा ये कहाँ से शुरू होती है आपकी सप्लाई? अरे सर ये अब रात में कौन से पेड़ दूरी कट रहे हैं? नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आपकी सप्लाई शुरू कहाँ से होती है, कौन सा पावर हाउस है आपका? जी पावर हाउस कौन सा है आपका? पावर हाउस यही लगता है फवारे वाला ही। फवारे वाला। जयन कौन है आपका? जयन तो सर कोई भवानी है, सोनी जी है। अच्छा आशीष सोनी जी, अब ऐसे तो नहीं जानते। हाँ सोनी आप, जी है कोई। अच्छा आपने कॉल किया किसी अधिकारी को या कर्मचारी को? मोहल्ले वाले लग रहे हैं ना सर, अभी अभी आई जस्ट, ये लाइट आ गई सर देख लो। आ गई सर देख लो। कितने घंटे बाद आई है? बिल्कुल सर अभी अभी लाइट आई है। नहीं कितने घंटे बाद आई है ये पूछ रहा हूँ मैं। ये सर कम से कम 20-25 मिनट में आई है लाइट। चलो थोड़ा सा पेशेंस भी रखा करो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये तो सर मेरी बात सुनो सर। हाँ। थोड़ा सा ये आज की समस्या नहीं सर, रोज का काम है ये, और सर गर्मी जैसी पड़ रही है, बच्चे परेशान है। हाँ कितनी देर जाती है लाइट? अच्छा मुझे बताओ पूरे 24 घंटे में कितनी कटौती होती है? अब सर 2-3 बार तो चल जाती है दिन में। अच्छा दिन में तो टाइम पास कर लेते हैं, रात में नहीं होता साहब। अच्छा रात में भी जाती है क्या? रोज की समस्या हो गई है तो। हाँ तो आप एक काम करिए, अधिकारियों से मिलिए और उनको इस समस्या को बताइए। कोई नहीं सुनता साहब, कोई नहीं सुनता, गरीब आदमी की। अच्छा ये तो पैसे वाले इनके सुनते हैं साहब। कोई नहीं सुनेगा तो जी न्यूज पोर्टल जरूर सुनेगा भाई आपकी। आप पे भरोसा सर, अगर गंगापुर में किसी पे भरोसा है तो वो आप पे ही है। नहीं नहीं चैनल और भी चल रहे हैं सर, उन पे भी भरोसा रखो। नहीं 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 पूरी गंगापुर की जनता को आप पे भरोसा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद ये करते हैं सर अपनी समस्याओं को बिल्कुल जागरूक नागरिक बन करके आप भी उठाते रहें। ओके सर। अब ये हमारा मैनुपलेट किया हुआ दर्शक नहीं है, जैसे कुछ कह रहे थे ना हमारे एक दर्शक के बारे में, मैनुपलेट नहीं करते सर हम, जो है वो सामने, किससे क्या छुपाना है बताओ। ये गंगापुर शहर मेरा है, ये सरजमी मेरी है, यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है, तो फिर मैनुपलेट करने की ज़रूरत कहाँ है। सच हमेशा सच रहता है, चाहे उसे दिन के उजाले में रख दो या रात के अंधेरे में रख दो, वो अपनी रोशनी और अपनी चमक हमेशा छोड़ता रहेगा। कुल मिलाकर के यह है कि अगली बार नंबर रहेगा सीवरेज वालों का और एलएनटी वालों का, कि अब इनसे पूछना पड़ेगा हमको कि भाई साहब आप कौन सी इंटरनेशनल कंपनी है जो गंगापुर में अपना काम ढंग से नहीं कर पा रही है। ठीक है तो ये है, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं है। और एक मुद्दा और मेरे सामने आज निकल करके आया था, उसके बारे में मैं बात ज़रूर करूँगा कि छाबा और ताजपुर जब अपन निकलते हैं ना तो अबे खनन चल रहा है वहाँ, पत्थरों का बिजली भी बहुत वहाँ से आती है भाई साहब, बहुत सारे लोगों की बड़ी शानदार कमाई हो रही है। ऐसा मेरे सुनने में आया है कि कुछ लोग ऐसे हैं गाँव के ही रहने वाले जिन्होंने वहाँ अवैध वसूली का धंधा अपना लिया साहब, 2-5 लोग बैठ जाते हैं वहाँ से निकलने वाली जितनी भी ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ हैं उनसे पैसा ले रहे हैं। सबूत भी दूंगा, बहुत जल्दी दूंगा आपको, ठीक है। और एक खुशखबरी और आपको मैं दे दूं, बजरी खनन को लेकर के आज आदेश आ चुके हैं, अब बजरी खनन जो है उसको स्वीकृति मिल चुकी है, बिल्कुल स्वीकृति मिल चुकी है और अब बजरी सस्ती हो जाएगी। लेकिन अभी हम इसकी खबर की पुष्टि कर रहे हैं, आने वाले समय में कल या परसों में और इसकी डिटेल आपको दे देंगे, लेकिन हमारे पास ये सूत्रों से खबर आई है कि बजरी खनन को सरकार ने मान्यता दे दी है और लिमिट बांध दी उसमें, है ना, एक लिमिट बांध दी है, बनास को भी मंजूरी मिल गई है, अब वहाँ से आप बजरी खनन
कर सकते हैं, लेकिन क्या उसके नियम होंगे, टर्म एंड कंडीशन क्या होगी, उसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ जो ये प्रोग्राम है मेरी आवाज़ सुनो ये आपको पसंद आ रहा होगा सर, और इसमें मुद्दे हम उठाते हैं और यही चलता रहेगा। कल अनछुए पहलू आएगा और परसों आएगी आपनी बात। आपनी बात को लेकर के लोगों ने कहा कि साहब बोलना तो आता नहीं है, गांव के रहने वाले हैं, भाषा आती नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि सर मैंने गांव में ही जन्म लिया है, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ और मैं अपनी ज़मीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मुझे किसी की भाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, मैं क्या हूँ इसके लिए मुझे किसी और से सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो हूँ जैसा हूँ मेरे दर्शकों के सामने हूँ, और वो मुझे अगर उनकी कसौटी पर मैं खरा उतर गया, देखिए वही होता है एक कलाकार स्टेज पर अगर मैं गया और लोगों ने मेरे परफॉर्मेंस पर तालियां बजाई तो फिल्म हिट हो गई, और अगर मेरे परफॉर्मेंस पर लोगों ने तालियां नहीं बजाई तो फिल्म फ्लॉप हो गई। हम वो नहीं हैं जो एक घंटे की खबरों के नाम पर सिर्फ कंट्रोवर्सी करें और दूसरों पर उंगलियां उठाएं, हम वो हैं जो अगर सिर्फ खबर दिखानी है तो सिर्फ खबर ही दिखाएंगे और चीज़ों से हमको मतलब नहीं है, और जस्ट इग्नोर, खुल मिला करके वही चीज़ है, गंदा नाला है तो उसको दूर से निकल जाओ क्योंकि बदबू भी मारेगा और फिर कीचड़ उछल करके आने का भी डर रहता है। ठीक है साहब, तो खुश रहिए, अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहिए, और हो सकता है 1 तारीख से कम सवाई माधोपुर ज़िले में तो हालात अच्छे हो जाएंगे और लॉकडाउन में छूट मिल जाएगी हमको, क्योंकि हमारे यहाँ धीरे धीरे कोरोना के जो पेशेंट हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो उम्मीद ये करते हैं ज़िंदगी वापस पटरी पर लौटेगी, और अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त गुजारिए, ज़्यादा वक्त नहीं बचा, 1 तारीख को उम्मीद ये कर रहे हैं प्रभु सवाई माधोपुर ज़िले को तो कम से कम खोल दें। दुकानों का टाइम भी बढ़ सकता है, बहुत सारी दुकानें ऐसी हैं जो बंद हैं तो अब उनको भी इजाज़त मिल सकती है, इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी ज़िले से ज़िले में आने के लिए भी इजाज़त मिल सकती है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी भी हो सकता है बंद रहे, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट हो सकता है चालू रहे, पर्सनल जो व्हीकल है उनको इजाज़त मिल जाए। तो कुल मिलाकर के ये है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बढ़िया रहें, खुश रहें, कोई दूसरी और तीसरी लहर नहीं है जनाब, वैक्सीन धीरे धीरे आने वाली है, आ जाएगी, लगवा लेना और मस्त रहो, जस्ट चिल करो, अपने आप पर ध्यान दो, दूसरों से कोई मतलब मत रखो, इससे अच्छी ज़िंदगी और नहीं हो सकती। बिजली और पानी अहम मुद्दे हैं, इन पर नज़र हमारी बनी रहेगी, मगर जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सामने नहीं आएंगे, आप लोग सड़कों पर नहीं आएंगे, आप लोग अधिकारियों से बात नहीं करेंगे तो ये मुद्दे सॉल्व नहीं होने वाले। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जय हिंद और जय भारत।